साथियों, कल यमुना तट पर श्री हरि पूजन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आप सब लोगों को बहुत ही उत्साह के साथ सम्मिलित होना होगा। जय श्री हरि। जय श्री हरि। कान्हा, कल यमुना तट पर श्री हरि के पूजन के लिए दूर दूर से श्री हरि के ब्राह्मण भक्त वृंदावन पधारेंगे। माना जाता है कि इन दिनों में यमुना में ही श्री हरि का वास होता है। अच्छा मैया, फिर तो इसमें बड़ा ही आनंद आएगा। हाँ कान्हा, और सभी ब्राह्मणों के अतिथ्य का दायित्व मैं तुम दोनों पर सौंप रही हूँ। ठीक है मैया, इस कार्य में हमारे साथ साथ हमारे मित्रों की टोली भी उन ब्राह्मणों का स्वागत करेगी। नंद जी, यशोदा बहन, क्या हुआ तुम्हें? मेरा सुदामा अपने मित्रों के साथ किसी कार्यवश निकट के गांव में गया हुआ था, कहीं गायब हो गया है। उस गांव में एक भयानक असुर ने हरि का नाम लेने वाले मनुष्य को मृत्यु के घाट उतार दिया। अरे, कल यमुना घाट महोत्सव में श्री हरि की आराधना की जाएगी। यदि वो दैत्य वहां भी आ गया तो? यशोदा, हम पूजन अवश्य करेंगे। सदैव की भांति श्रीहरि इस बार भी हमारी सहायता करेंगे। बहन, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। हम कुछ लोगों को सुदामा को खोजने के लिए भेजते हैं। शीघ्र ही सुदामा को वो ढूंढ कर ले आए। काकी, आप धैर्य रखिए, मित्र सुदामा को कुछ भी नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ काकी, कल सूर्यास्त से पूर्व सुदामा आपके समक्ष होगा। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कान्हा। कान्हा, चाहे जो हो जाए तो घर पर ही रहना, संकट सदैव ही तुझ तक पहुंच जाता है। रुक जाओ, गुरु शुक्राचार्य को मेरा नमन। विजयी भाव गजासुर, तुम्हें पृथ्वी पर हरि नाम लेने वालों का अंत करता देख अत्यंत प्रसन्नता हुई, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। इनसे मिलो, ये है मथुरा नरेश कंस, और ये तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। प्रणाम महाराज कंस, आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता मुझे भी बहुत अधिक हुई, परंतु तुमसे अपेक्षा नहीं थी कि तुम अपनी शक्ति का प्रयोग इन तुच्छ मानवों पे करोगे। और यदि तुम्हें अपने पूर्वजों की हत्या का प्रतिशोध लेना है तो जाओ वृंदावन। वो विष्णु अवतार कृष्णा वही है, और ले लो अपने पूर्वजों की हत्या का प्रतिशोध। जाओ, शीघ्र जाओ और उसे समाप्त कर दो।